भारत माता की जय। भारत माता की जय। कार्यक्रम का उद्घाटन कुलपति ज्ञान के कर कमलों द्वारा हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, तो मैं अभी अपने यूनिवर्सिटी के आगे खड़ा हूँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट देख सकते हैं मेरे पीछे। तो आज हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट में आर्ट एग्जीबिशन है, तो हम पहले ही आ चुके हैं क्योंकि हमें प्रिपरेशन करना रहेगा। तो आपको दिखाते हैं कि हमारा एग्जीबिशन कैसा रहता है, तो चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तो आप अभी देख सकते हैं यहाँ प्रिपरेशन चल रहा है, इधर कुछ आर्ट्स वर्क्स लग चुके हैं, यहाँ सब लोग जोर शोर से काम चला रहे हैं। इधर भैया है, भैया पेंटिंग्स लगा रहे हैं, इधर ये लोग कलर कर रहे हैं, इधर हमारे भैया लोग, यही सूरज है, ये कलर कर रहा है। कल से ही बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा है। अभी यहाँ भी बहुत सारे आर्टवर्क्स लगे हुए हैं और यहाँ और भी लगना बाकी है और डेकोरेशन और भी होगा। तब तक के लिए दिखाते हैं आपको कैसा चलता है और फाइनल वर्क्स भी दिखाते हैं आपको। लगभग हमारा प्रिपरेशन कम्प्लीट हो चुका है, आपको दिखाते हैं आगे कि हमने क्या क्या किया है। इधर देख सकते हैं फूल लग चुका है गेट पर, तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको। दोस्तों अभी सारी पेंटिंग लग चुकी है, एग्जीबिशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उसी से पहले फिर भी आपको मैं पेंटिंग्स दिखा देता हूँ। ये एंट्रेंस है, तो हम अभी अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि पेंटिंग्स कैसे लगे हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. हमारे साथ एक अंकल हैं, उनसे जानने के प्रयास करेंगे कि उन्हें यहाँ आके कैसा लग रहा है, एग्जीबिशन में कैसा होंगे दिख रहा है पेंटिंग्स। तो नमस्ते अंकल, तो आपसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आप यहाँ, जैसे कि हमें पता चला कि आप आजमगढ़ से आए हैं, तो अब आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है पेंटिंग्स के बारे में बताइए। और आप, जैसे कि आप बताए हैं आपकी बेटी भी आर्टिस्ट है, उन्होंने एक पेंटिंग्स बनाई है उसी में 100 जी जी, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे। अभी मैं कह रहा हूँ कि नई जनरेशन इस समय जो है काफ़ी भटकी हुई है जी, उनको अपने मतलब जो एक्चुअल में जो कल्चर है अपना, इसके ऊपर लाने में अभी थोड़ा समय लगेगा। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि बच्चों के अंदर एक चीज़ नई हम टीचर्स ने डेवलप की है, और वो रामचरित्र के ऊपर में उन्होंने एक पूरा श्रृंखलाबद्ध जी, मतलब प्राइमरी स्टेज से लेके लास्ट तक उन्होंने जो 14 साल का पीरियड आ रहा है, हाँ हाँ, उसके अंदर कहाँ गए, कैसे गए, क्या किया उन्होंने, उसका पूरा जो है एक पिक्चर बनाया उन्होंने वहाँ पे। अच्छा, उसकी एग्जीबिशन आपका दीनदयाल सभा उसमें लगने वाली है ब्लॉक में।
जी। बाकी मैं यहाँ पे जो भी चित्रण देख रहा हूँ जी, और बहुत सुंदर ऐसा लग ही नहीं रहा कि जो है ये हाथ से पेंट किया हो, इतना रियलिटी इसके अंदर है जी, एकदम जी बहुत सुंदर जी। और आप जैसे कि बता रहे हैं वो पेंटिंग जो बनी थी जी, वो लगभग कितने दिन में बन के तैयार हो गई? एक एक पिक्चर बनाने के लिए महीनों लगा उसमें जो है जी जी। कितने लोगों ने मिलकर बनाया उससे? इसमें करीबन अभी एक्चुअल पिक्चर मेरे पास अभी नहीं आ रही, करीबन 200 कुछ ऐसा है। तो जैसे अंकल बता रहे हैं मैं वो पेंटिंग आपको दिखाने का प्रयास करूंगा जरूर, अभी एग्जीबिशन में लगी नहीं है, लग जाएगी तो आपको मैं जरूर दिखाऊंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। थैंक यू। और देखिए अभी एग्जीबिशन कैसा होता है, अभी शुरुआत तो नहीं हुई एग्जीबिशन की, शुरू होते आपको आगे का दिखाते हैं। तो दोस्तों मेरे सामने जो ये स्कल्पचर देख पा रहे हैं आप, ये गणेश जी वाली और ये बुद्ध जी वाली और ये ऊपर और एक गणेश जी वाली है। तो ये स्कल्पचर ये सर हैं, इन्होंने बनाया, तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे इन स्कल्पचर के बारे में। सर नमस्कार आपको। नमस्कार सबको। तो क्या है, कैसे बनाया, आप कुछ बताएं इस स्कल्पचर के बारे में। मेनली जो दो विधाएं हैं जी, स्टोन कार्विंग एंड वुड कार्विंग जी, तो इस पे मैं बहुत प्रभावित था। हमारे जो गुरु जी थे बलवीर सिंह सर, विनोद सिंह सर जी, और पी चंद्र बेनू, BHS में पढ़ा हुआ हूँ जी। तो वहाँ से आने के बाद मैं यहाँ स्कल्पचर का काम कर रहा था, पर एग्जीबिशन में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा जी। तो फर्स्ट टाइम अयोध्या में मुझे ऑफर मिला। अच्छा, आपका ये पहला एग्जीबिशन है? नहीं, मतलब प्रोफेशनल एग्जीबिशन है। ऐसे में बच्चों को सिखाता हूँ जी जी। आप कौन से स्कूल से आए हैं? आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल, ये अभी इंडोरामा पब्लिक स्कूल हो गया, जगदीशपुर में है। अच्छा अच्छा। और हाँ जी, तो आप देख सकते हैं इस स्कल्पचर को, मैं आपको दिखाता हूँ स्कल्पचर, ये सर बताएंगे इनके बारे में। शीशम में कार्व किया गया है। अच्छा। सामने ले जाइएगा। हाँ हाँ। और इसमें स्टोन के दांत जो है ऐड किए गए हैं, एल्युमिनियम ऐड किया गया है, इनलेवर किया गया है। अच्छा। और इसमें कोई पॉलिश नहीं की गई है, सबसे मजेदार बात है कि इसमें कोई पॉलिश नहीं की गई है, वार्निश पॉलिश नहीं लगी है। ये अपना जो कलर होता है वो टेक्चर इसको दिया गया है। अच्छा अच्छा। और वुडन कलर होता है। और ये पटिया है, स्टोन का पटिया। अच्छा। क्योंकि अब टीचर बन गए तो टाइम मिलता कम है, काम करने को बड़ा पत्थर मिलना मुश्किल है, तो हमने स्टोन की पटिया पे बनाया। ये सृजन है, भगवान बुद्ध का जन्म, मृत्यु और उनका जो निर्वाण है, वो तीनों एक ही दिन हुआ था, बुद्ध पूर्णिमा के दिन। अच्छा। आप इसमें देखिए, और ये जो लताएं हैं वो संसार की जो जड़ है उसको प्रतिनिधित्व करता है जी जी। और ऊपर शशि वर्णम, शंकर भगवान के जो प्रिय पुत्र गणेश जी जी, वक्रतुंड महाकाय सूर्यपुत्र के पुत्र, उनको हमने वो हमारे आराध्य दिए। अच्छा। तो ये आप कब बनाए थे? ये मैंने बनाया था 2022। अच्छा। बच्चों को सिखाते टाइम में। अच्छा अच्छा। मैंने एग्जीबिशन के पर्पज से नहीं बनाया। अच्छा। पर राम जी की कृपा से जो है एग्जीबिशन का फिर। नहीं, बहुत ही सुंदर कारीगरी हुई है यहाँ। ये कल ही आ चुका था, तो कल से इस ये गणेश जी वाली स्कल्पचर की बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा अच्छा बोल रहे थे, चर्चा चर्चे पे रहा है कि बच्चे टीचर्स मोटिवेट हो रहे हैं और मैं भी मोटिवेट हो रहा हूँ कि अपने डिपार्टमेंट में आकर के, अपने लोगों के बीच आकर के एक आर्टिस्ट को का सृजन होने लगता है। जी जी। भी टीचर है लेकिन टीचर के साथ साथ एक आर्टिस्ट है जिसका जन्म जो है समय के साथ होने लगता है। जी जी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों का ये एग्जीबिशन, बहुत ही यूनिक है। आगे हमारे बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे। जी जी। और मैं आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा अंकल जी, तो आपको धन्यवाद बहुत। आशा है कि ऐसे ही आगे आपसे मिलते रहें और आपके कारीगरता देखते रहें। धन्यवाद। दोस्तों अभी मेरे साथ है रीमा मैम, हमारे यूनिवर्सिटी की फैकल्टी है, उनकी भी पेंटिंग के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, तो चलिए उनसे मिलते हैं। नमस्कार, मैं श्रीमती रीमा सिंह, सहायक आचार्य ललित कला विभाग, डॉक्टर राम मनोहर विश्वविद्यालय से। आप सभी का स्वागत है कला आचार्य कला प्रदर्शनी 2023 में। यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स प्रदर्शित की गई हैं, जिनमें से एक पेंटिंग मेरी हुई है जो कि वुमेन स्ट्रेंथ को दिखाती है, कैसे ही एक परिवार की जो महिला होती है वो दूसरी महिला को सपोर्ट करती है आगे बढ़ने में और अपना मुकाम हासिल करने में, कैसे हमारी जो दादी नानी माँ होती है उनका सपोर्ट होता है कि एक घर की जो बेटी बहू है वो शिक्षित हो और समाज को आगे बढ़ाए। कहा जाता है कि जब एक पुरुष शिक्षित होता है तो वो खुद को शिक्षित करता है, परंतु जब एक महिला शिक्षित होती है तो वो पूरे समाज को शिक्षित करती है। इस पेंटिंग में उस अंश को प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। धन्यवाद। आपको मैंने रीमा मैम
का पेंटिंग के बारे में दर्शाया। उसी तरह हमारे साथ अभी है द्विवेदी मैम, वो भी हमारे विश्वविद्यालय की फैकल्टी है, तो आइए उनसे भी उनके पेंटिंग के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो मेरे साथ है रीमा मैम, तो चलिए उनसे मिलते हैं। नमस्कार मैम, तो आपकी पेंटिंग भी यहीं लगी हुई है, आपके पेंटिंग के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मैम कुछ बताइए अपने पेंटिंग के बारे में। मेरी पेंटिंग बेसिकली अध्यात्म से उत्प्रेरित है कि एकात्म है, जब आपका ईश्वर के साथ आपका एकात्म हो जाता है तो आप सब राममय हो जाता है। ऊपर मैंने राम दरबार अपनी फॉर्म में दिखाने की कोशिश की है, और ये जो चित्र बना हुआ है ये धुएं के इफेक्ट, धुएं के द्वारा कलर्स को लेके और कॉफी को लेके इनके कलर्स को निकाल के मैंने एक नई विधा अपनी तरफ से उभारने की कोशिश की है, जिस पर मैं लगातार काम कर रही हूँ, और आशा है कि ये विधा और लोगों को पसंद आएगी और आगे भी ये चलन में आएगी, इस पर मैं कार्य कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नमस्ते दोस्तों, मेरे साथ अभी हैं आलोक भैया, इनका भी वर्क यहाँ लगा हुआ है, तो उनसे जानने के प्रयास करेंगे उनके वर्क के बारे में। आलोक भैया बताइए अपने पेंटिंग के बारे में। हमारी जो पेंटिंग है इसका विषय जो है कि जोगी बाबा, गांव में ये जोगी बाबा जो आते हैं भगवा रंग पहन करके, अच्छा। क्योंकि आते ही छोटे जो बच्चे होते हैं तो इनसे दूर भागने लगते हैं, अच्छा। वो डरते हैं कि कहीं ना कहीं ये पकड़ के लेके चले ना जाए, और ये उसी समय आते हैं जब फसल कटता है, तो ये गांव में आते हैं भिक्षा लेने के लिए, अच्छा। और अपनी सब अच्छे अच्छे उपदेश और गाना वगैरह जो भी सारंग से सब सुनाते। ये कौन से कलर से बनाया गया है? ये है वाटर कलर। अच्छा, वाटर कलर से ना। इसे इस पेंटिंग को क्या बोलते हैं, वन स्ट्रोक पेंटिंग? नहीं, क्या बोलते हैं, टेक्निक में है एक, अच्छा, क्रिएटिव पेंटिंग। अच्छा अच्छा, और दूसरी वाली ये वाली भी आपकी ही है? हाँ, इसके बारे में मंदिर का गुम्बद है। अच्छा, मंदिर का गुम्बद। जो महिलाएं जो चूड़ी पहनती है ना, हाँ हाँ, तो उसको मतलब कि जब टूट जाता है तो उसको फेंक देते हैं, वेस्ट हो जाता है, मैंने उसी को लेकर के उसी से बनाया। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपके पेंटिंग के बारे में जाने। अच्छा, आप ये भी वाली भी आपकी है? ये कैनवास पेंटिंग है। अच्छा, तो ये है कि कोटवा धाम जो बारहवीं पड़ता है, तो वहाँ ये संत है। अच्छा, काफी लोग इनको पूछते हैं। अच्छा, तो इन्हीं को बनाया। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा लगा भैया आपसे मिलके, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको एग्जीबिशन कैसा लग रहा है वैसे? अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कहाँ से आए हैं आप? बारहवीं से। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, मिलते हैं। दोस्तों अभी हमारे यूनिवर्सिटी के ब्रिजेश भैया मेरे साथ हैं, जिन्होंने ये वाली स्कल्पचर बनाई है, देख सकते हैं हनुमान जी वाली, तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने ये स्कल्पचर कैसे बनाई है और किस मोटिव से बनाई है। तो चलिए ब्रिजेश भैया से आपकी मुलाकात कराते हैं। नमस्ते ब्रिजेश भैया, तो यही है ब्रिजेश भैया जिन्होंने ये हनुमान जी वाली स्कल्पचर बनाई है, तो भैया कुछ बताएं इस स्कल्पचर के बारे में। ये स्कल्पचर वर्क है जो मैंने बांस के जोड़ से बनाया है। इसमें मैंने पहले लोग ये सोचते हैं कि बांस का जोड़ जड़ होता है, उसे फेंक देते हैं, जला देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो जो ऊपर का जो बांस होता है उसे यूज कर लेते हैं, वो जड़ को फेंक देते हैं, जला देते हैं। हमने कहा इस मैंने देखा इस जड़ को, मैंने कहा वर्क इस जड़ में कुछ वर्क होना चाहिए, थोड़ी करना भी चाहिए। मैंने कहा कि मैं एक अध्यक्ष में ही हूँ, ऐसा कुछ बनाया जाए कि जैसे कुछ जड़ है वहाँ का, कुछ ऐसा हो जाए। मैंने कहा कि इसमें मैं निकालता हूँ एक हनुमान जी का फेस, तो लोगों को आकर्षित भी लगे, देखने भी अच्छा भी लगे। तो आज वो मैंने निकाला इस फेस में, बहुत ही कार करके मैंने निकाला है। जी जी, तो उसे ये राम जी है, ये हनुमान जी है। अच्छा, आप देख सकते हैं दोस्तों कि बहुत अच्छी कारीगरी की गई है ब्रिजेश भैया द्वारा, कितने सुंदर तरीके से इसे दर्शाया गया है हनुमान जी का। चलो भैया, बहुत बहुत अच्छा लगा आपका वर्क देख के, आशा है आप ऐसे ही वर्क करते रहें, हम आपसे प्रेरित होते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके बीच आ चुकी हैं और रिबन काट के इस कार्यक्रम का उद्घाटन कुलपति ज्ञान के कर कमलों द्वारा हो रहा है। माननीय कुलपति महोदय हम सबके बीच है, आप जोरदार तालियों से लाल का स्वागत करें। Thank you.
तो ये पेंटिंग मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरा दर्शाया गया है, इन्हीं लोगों ने मिलके ये बनाया है। तो मैं इनसे आग्रह करूंगा कि इन पेंटिंगों के बारे में कुछ बताएं, हम भी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इनसे मिलते हैं। नमस्कार दीदी। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? अच्छा, तो ये पेंटिंग कब की बनाई हुई है? 2021। अच्छा, से पहले की पेंटिंग है ये। अच्छा, और उस टाइम पे हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में इस पेंटिंग को शामिल कर किया था, और साथ में ये पेंटिंग लोकाभिरामम यानी राम के ऊपर उनके जन्म से लेकर के उनकी पूरी जो पूरी जीवन गाथा है। अच्छा, वो पूरा दर्शाने की एक छोटा सा प्रयास किया है। अच्छा, और इसमें आपको छोटे छोटे सारे खंड मिलेंगे, हर खंड से कुछ कुछ पेंटिंग मिलेगी, और लगभग ये पूरी फोक आर्ट से रिलेटेड है। कुछ आपको पटचित्र मिलेंगे, कुछ आपको फॉर आर्ट मिलेगा, पिछवई मिलेगा, मधुबनी है, वायलल है, केरल म्यूरल आर्ट है, इससे रिलेटेड हमारी पेंटिंग बनी हुई है। अच्छा, आप कितने लोगों ने मिलकर बनाया है इसे? कुल 52 स्टूडेंट। अच्छा, क्या रिकॉर्ड मिला है इससे आपको? कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में शामिल किया गया। अच्छा अच्छा, इसे शामिल किया गया है। 2021 में। अच्छा, 155 फीट का है बताया जा रहा है। 155। कितना दिन लगा था आपको ये बनाने में? बनाने में लगभग मुझे लग रहा है लगभग 13-14 दिन या लगभग मान के चलते एक महीने। अच्छा अच्छा, कुछ कुछ रुक के पेंटिंग कम्प्लीट हुई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है फिर, धन्यवाद दीदी। इन्हीं लोगों ने मिलकर ये सब पूरा बनाया है, तो मैं आप सबको ये दिखाऊंगा पेंटिंग एक एक करके। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And दोस्तों, इसी के साथ हमारा ब्लॉग यहीं एंड होता है। आशा है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।